नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। राजौरी एनकाउंटर जो लगभग 30 घंटे का एनकाउंटर था और इसमें हमारे दो अधिकारियों समेत 5 जवानों ने इसमें शहादत पाई है, जिसको लेकर आज यहां पर उन्हें ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। डीजीपी आरएस स्वाइन, जिन्होंने हाल ही में अपना भी कार्यकाल संभाला है, इन जवानों को जो है श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहां पर आए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहां पर आज जो है रेथलिंग सेरेमनी है, इस समय इन जवानों को दी जा रही है। ये वो जवान है जो सदैव देश की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। 28 घंटे चला ये राजौरी एनकाउंटर, जिसमें अपनी जान की ना परवाह करते हुए जो है हमारे जवानों ने उन्हें आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। अपनी जानों अपनी प्राणों की आहुतियां तो दी ही दी, साथ में जो यहां पर आए हुए आतंकी हैं उनकी नापाक इरादों को भी निस्तानाबूद किया। जम्मू के मिलिट्री हॉस्पिटल में आज जो है इन जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी इनकी श्रद्धांजलि देते हुए और जो हमारे जवान हैं इन्हें सदैव इसी तरह से याद रखा जाएगा। राजौरी एनकाउंटर के बाजीमल जंगल में ये एनकाउंटर जो है लगभग 30 घंटे चला, जिसमें हमारे दो अधिकारियों समेत 5 जवानों ने जो है शहादत पाई है। और इनकी शहादत को याद करते हुए इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यहां पर उपस्थित हैं, साथ ही साथ आर्मी के GOC DGP RS स्वाइन, जिन्होंने हाल ही में अभी कार्यभार संभाला है, और भी आला अधिकारी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नॉर्दर्न कमांड उपेंद्र द्विवेदी, डिवकॉम जम्मू, IG जम्मू, सब आला अफसर इस समय मौजूद हैं यहाँ पर इन जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए, नम आंखों से इन्हें आखिरी अलविदा कहते हुए। इनकी इस शहादत को पूरा देश इसी तरह से याद करता रहेगा। ये वो जवान हैं जो अपनी निस्वार्थ भावना से देश की सेवा करते हैं। कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इन जवानों की शहादत को नमन करते हुए, इन्हें श्रद्धांजलि देते हुए इस समय यहाँ पर जम्मू के मिलिट्री हॉस्पिटल में मौजूद है, और इनके साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण मेहता,
लेफ्टिनेंट जनरल नॉर्दर्न कमांड उपेंद्र द्विवेदी, डबकॉम जम्मू, डीजीपी आरएस स्वाइन और भी आला अफसर यहाँ पर इस समय मौजूद है। इन जवानों को सदैव इसी तरह से याद किया जाएगा, इनकी शहादत को नमन है। एक साल से कई उन्होंने ऐसी घिनौनी हरकतें की थी, ऐसी किलिंग्स की थी जो हम इनको ढूंढ नहीं पा रहे थे और ये कहीं जाकर छुप रहे थे, और इनको जो वेपन एमनीशन और बाकी खबर की सप्लाई किसी के द्वारा की जा रही थी। इसीलिए हमारे रोमियो फोर्स के जवान और नाइन पैरा के जवानों ने मिलकर ये जो कार्रवाई की है, इसमें तो शहादत तो हुई है लेकिन हमने दो खूंखार आतंकवादियों का खात्मा किया है। इन आतंकवादियों ने डांगरी में या कांडी में या रजौरी टीसीपी में निहत्थे सिविलियंस की हत्या की थी और इसलिए इनका खात्मा करना बहुत ज़रूरी था। इनकी ट्रेनिंग कई देशों में हो सकता है हुई हो, पाकिस्तान अफगानिस्तान हो सकता है वहाँ भी इनकी ट्रेनिंग हुई हो, और ये काफ़ी ट्रेंड फॉरेन टेररिस्ट थे और इसलिए इनको ख़त्म करने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने प्राणों की चिंता ना करते हुए भी ये सराहनीय कार्य किया। जहाँ तक संजय बिष्ट का सवाल है, उनको 18 तारीख को बुद्धल में मैंने खुद एक तमगा लगाया था, यानी कमेंडेशन कार्ड लगाया था, और उनको मैंने पूछा था आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे, तो उन्होंने मुझे वादा किया था कि 7 दिन के अंदर ही साहब मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा, और उन्होंने वीरता के साथ अपनी प्राणों की कुर्बानी यहाँ पर दी। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह के कैप्टन प्रंजल साहब के पिताजी ने कल बेंगलोर में जो वक्तव्य दिया, इससे हमारे साहसी योद्धाओं को काफ़ी जोश मिलेगा और उन्हें आगे और भी ऐसी मेहनत करने के लिए या निडरता दिखाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। सर, जो मारा गया टेररिस्ट है कोई फायदा लेकर क्या ओके आप सर, पुंछ रजौरी में जो आतंकवाद को फिर से फैलाने में क्या ये मास्टरमाइंड था कारी और इसको मार के एक बहुत बड़ी कामयाबी है, सेटबैक है पाकिस्तान को? देखिए, ये एक मेजर सेटबैक है क्योंकि जो इकोसिस्टम यहाँ एग्जिस्ट कर रहा था उसको ये एक ताना बाना बुन के साथ में लाना चाह रहे थे। इसीलिए जैसे ही हमने इन दोनों को ख़त्म किया है, उस पूरी जो एक पाकिस्तान की कार्रवाई थी उसमें बहुत ही बड़ा सेंध पड़ा है। सर, जो मारा गया मिलिट्री है इसने कुछ सिविलियंस को भी होस्टेज बनाया था क्या? और आतंकी देखिए, तादाद का मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि आपको पता है पुंछ रजौरी का ऐसा एरिया है जो कि नेशनल हाईवे से बाकी देश से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह तादाद ऊपर नीचे हो सकती है किसी भी समय पर। बट मैं मान के चलता हूँ कि आज की तारीख पे 20 से 25 यहाँ पर आतंकवादी होंगे जो इस एरिया में ऑपरेट कर रहे होंगे, लेकिन जिस तरह से हमने पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने और इंटेलिजेंसीज ने जो कार्रवाई बढ़ाई है जिसमें हमारे लोकल लोगों का बहुत सपोर्ट है, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा कार्रवाई तो एक साल के अंदर हम इसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। राजौरी एनकाउंटर जिसमें हमारे दो अधिकारियों सहित 5 जवानों ने शहादत पाई है और साथ ही साथ 2 जो आतंकी हैं वो भी मारे गए हैं। माना जा रहा है ये डांगरी के मास्टरमाइंड था जो इस पूरे इस ऑपरेशन को जो चला रहा था, लेकिन हमारे जवानों ने एक बार फिर से इसका उदाहरण दे दिया है कि जब तक हमारे जवान तत्पर है भारत की सेवा के लिए, तब तक इस तरह का कोई भी कारनामा पाकिस्तानियों द्वारा कभी नहीं किया जाएगा। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।